ना। तो क्या हुआ बेटा कि इस तरह से उसके जो हैं फसल जो है पूरी तरह से साल बिल्कुल बेकार हो गया। अब देखिए, दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन। अब वो रात उनकी कैसी गई, दुखपूर्ण, पूरे दुख से उनकी रात बीती। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, क्या उसने कहा कि पूरा मतलब हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब देखिए, जब हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम किससे मदद मांगे, कहाँ जाएं, तो हमारे पास एकमात्र सहारा किसका रहता बेटा, भगवान का। ठीक है, उस पर विश्वास रखो, उस पर वो रखो, तो हमें पूरा विश्वास रहता है कि हम जिस पर विश्वास करेंगे वही हमारा सुनेगा। इसी तरह उस किसान को किसी के तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको पूरा विश्वास किस पर था, भगवान पर। उसने कहा अब ऊपर ईश्वर ही हमारी हेल्प कर सकता है। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी के मध्य उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी किसकी, परमात्मा से। ठीक है ना। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस उस घाटी में उस एकांत मकान में रहने वालों के दिल में एकमात्र आशा खाली भगवान की थी। दैट डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहा कि डोंट बी अपसेट, क्या कहा, इतना अधिक मत घबराओ। यद्यपि हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, किसने कहा, उसकी वाइफ ने, उसकी औरत ने कहा, धारस देने के लिए बेटा कुछ तो कहना ही पड़ेगा, है ना। तो उसने कहा कि पूरी तरह से कि मत घबराओ, जबकि हम जानते हैं कि हम सही में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। उसने आगे ये भी कहा लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट व्हाट दे सेड नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग यही कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। उसने उसी बात को दोहराया कि हाँ भाई लोग तो यही कहते हैं। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप द हेल्प ऑफ गॉड हूज आईज एज द हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन पॉइंट साइंस क्या कॉन्सेंस सॉरी ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। मैंने उसको पूरी रात, बस सारी रात लेंचो को बस एक ही आशा थी, उसी के बारे में वो सोच रहा था, और वो क्या था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता लेना, भगवान की सहायता की आशा, यही उसको थी। ठीक है, हूज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, क्या कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। यानी हम कहते हैं ना कि हमको कोई नहीं देखता, चलो ये कर ले, लेकिन नहीं बेटा, हमको हमेशा कौन देखता है, भगवान देखता है। अब जो मेरी माँ नहीं देख रहे, मेरे भाई नहीं देख रहे, मेरी बहन नहीं देख रहे, हम ये काम कर ले, ऐसा मत सोचना। आपको देखने वाला कौन है, भगवान है। उसकी दृष्टि हर जगह जाती है और वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, उसको इतनी आशा थी, देखिए इतनी आशा थी उसको भगवान पर कि भगवान सब कुछ देख रहा है। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, कह रहे हैं कि जिसके दृष्टि जो कि व्यक्ति अंतराल की भांति सब जगह रहती है, सबको देखता है। फिर लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो क्या था, लेंचो जो था खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत करने वाला एक किसान था।
ठीक है, जिस तरह बैल खेतों में खेत जोतता है लगा रहता है, उसी तरह लेंचो भी एक बैल की भांति सख्त मेहनत करने वाला इंसान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था अगले रविवार, ठीक है, लेकिन सख्त मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना चाहता था। क्या कि हेरेंचो वॉज एन ऑफ द मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन अ फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रीड, कि कैसे लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, क्या है, अगली रविवार को, द फॉलोइंग संडे अगली रविवार को, एट द डे ब्रेक सुबह, बिल्कुल सवेरे, ठीक है, डे ब्रेक सुबह एकदम सवेरे, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। देखिए, सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, ठीक है, सुबह सुबह ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कैरी टू टाउन कस्बे तक लेकर गया, ठीक है, कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में डाल दिया। समझ लीजिए, खुद ही उसने उस लेटर को लिखा, किसको लिखा, भगवान को, है ना, ए लेटर टू गॉड, माने भगवान को उसने खुद ही लेटर लिखा और उसे खुद ही अपना ले जाकर कस्बे तक गया और वहां जाकर उसने डाक में उसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ कम नहीं था, यानी इतने विश्वास से वो लिखा गया था। ठीक, नाउ नेक्स्ट, गॉड ही रोड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पोसेस इन द ऑर्डर इन टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने क्या लिखा भगवान को, उसने लिखा भगवान परमात्मा, यदि इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और हम इस वर्ष क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसेस, क्या मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रखने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। पैसोस माने आपके मेक्सिको के वर्ड में पैसे, रुपए, ठीक है, उसको कहा है पैसोस, जो मेक्सिको के करेंसी को बोला गया है कि उसकी जरूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉन, क्योंकि ओलावृष्टि ने, बाकी उसने उसी में सब लिखा कि ओलावृष्टि ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया था। हीरो To God on love, put the letter inside and till trouble went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. अब देखिए, उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, जैसे आप लिखते हो टू प्रिंसिपल, टू फादर, टू गॉड, है ना, तो उसे उसके गॉड को लिख रहा था, इसलिए उसने क्या उसको लिखा कि टू गॉड, यानी भगवान को पत्र, ठीक है, ऐसा उसने लिखा, टू गॉड ऑन द लव, उसने भगवान को लिखा परमात्मा, और पत्र को उसने फिर किसमें डाला, वन इन लव हु वॉज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस रोड put the letter inside and till trouble went to town at the post office. उसने लिखा परमात्मा को, फिर पत्र को लिफाफे में डाला और कस्बे में लेकर गया, ठीक है, डाक घर में, क्या है, trouble went to town at the post office, डाक घर में, post office he placed a stamp on the letter and drop it into the मेल बॉक्स। उसने क्या किया, उसमें डाक घर पर उसने पत्र पर स्टैंप लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी लेटर बॉक्स,
जो लाल रंग की लेटर बॉक्स रहती है उसमें खुद जाकर पेस्ट ऑफिस में उसमें स्टैंप लगवाया और उसको उसमें लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब देखिए कुछ लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसके विश्वास को क्या है वो हंसी में उड़ा रहे थे। तो डाक घर का एक कर्मचारी जो डाकिया था, है ना, वन ऑफ एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन जो डाकिया था और डाक घर में सहायता भी किया करता था, है ना, वन द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस और जो पोस्ट ऑफिस में सबकी मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो कहां गया, दिल खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे पत्र को दिखाया। यानी उसको क्या है, उस पर बड़ी हंसी आई और उसने उसको लिया, देखा और डाकिया ने जाके जो पोस्ट मास्टर था उसको जाकर उसने उसको दिखाया कि देखो इसने भगवान के नाम पर पत्र लिखा है। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। क्या कह रहे हैं कि एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ये पता नहीं देखा था। यानी जब भी वो नौकरी किया, उसने इतने सालों से नौकरी किया, लेकिन आज तक उसने डाकघर में ऐसा पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फॉलो एमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंट। देखो एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने नहीं देखा। पोस्ट मास्टर जो एक मोटा मैत्रीपूर्ण खुश मिजाज सज्जन था, कैसे कहा देखो उसके लिए कि कैसे उसकी पर्सनैलिटी के लिए बताया है कि एक पोस्ट मास्टर वो कैसा था, मोटा था और क्या था, मैत्रीपूर्ण एवं खुश मिजाज एम्बल फेलो और एक लाफिंग ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो हंस तो रहा था, पत्र को देखकर वो भी जोर से हंसा, है ना, उसने पत्र को देखा कि इसमें क्या भगवान के प्रति लिखा है, उसने देखा और हंसा। फिर उसने पत्र पर स्टैंप व्हाट फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन शीघ्र ही वो क्या हो गया, गंभीर हो गया। ठीक है, शीघ्र ही वो उसके पत्र को देखकर तो वो हंसा बहुत, फिर लेकिन वो शीघ्र ही क्या हो गया, गंभीर हो गया। सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और उसने पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा। लेटर को मतलब उसने रखा उस पर डेस्क पर और उसको इस तरह से थपथपाया और फिर उसने कहा कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. देखिए उसने क्या कहा कि क्या अद्भुत विश्वास है, काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अधिक आस्था होती। यानी वो भी मान गया किसको, किसान को, कि उस लड़के को मान गया कि वास्तव में उसके मन में भगवान के प्रति क्या विश्वास था कि उसने भगवान के लिए ऐसा पत्र लिखा। अब वो खुद सोच रहा काश मेरी भी ऐसी भगवान के प्रति अधिक विश्वास होता। स्टार्टिंग ऑफ द कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, उस व्यक्ति का परमात्मा में अधिक विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। यानी उसको इतना ज्यादा भगवान पर विश्वास था कि उसने भगवान से ही पत्र व्यवहार शुरू किया और किसी को नहीं देखा, भगवान से ही किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू टेक द राइटर फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। क्या हुआ, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना डगमगा जाए। देखो
पोस्टमास्टर के दिमाग में द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उसने ये सोचा कि इस आदमी का भगवान के प्रति इतना विश्वास है, अतः उसकी विश्वास जो है वो चरमरा ना जाए, डगमगा ना जाए, तो उसके लिए उसके दिमाग में एक विचार आया। देखो वो भी क्या सोच रहा था। आंसर द लेटर, उसने क्या किया कि उस पत्र का उसने उत्तर दिया जाए। उसने सोचा कि उसका विश्वास ना डगमगा जाए, अतः उसने कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। देखिए, लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य की जरूरत ही नहीं थी। यानी इतना मतलब समझे इनोसेंट वो था फार्मर कि उसने और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक नेक भावना उसमें थी, ये उसने उसमें देखा। लिंक द पेपर गुडविल इंक एंड पेपर, उसने उत्तर देने के लिए नेक और कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने निश्चय पर अधिक रहा और उसने बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, अपने उस पर वो अधिक रहा। ही आस्क फॉर मनी, उसने किसके लिए पूछा, कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसने अपने जितने एम्प्लॉयज थे उसको पैसे देने के लिए कहा। He himself gave part of his salary. उसने स्वयं भी अपनी सैलरी से, अपने वेतन से एक पार्ट उसमें दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of the charity. ठीक है, और क्या क्या उसने स्वयं भी दिया और अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के लिए कुछ ना कुछ दिया। यानी उसने सबके मन में ये विश्वास दिलाया कि जो एक आदमी ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है और वो भगवान से कुछ मदद मांग रहा है तो भगवान तो नहीं आएगा देने, तो क्यों ना हम उसके विश्वास को भगवान के प्रति रहने देते हैं, उसके विश्वास को खत्म नहीं करते हैं। इसके लिए उसने कहा अपने सारे कर्मचारियों से कि आप लोग कुछ कुछ अपने पेमेंट का हिस्सा इसमें दीजिए, और स्वयं उसने भी दिया, किसको मिलाकर उसके पास भगवान की तरफ से दिया गया है करके उसको दिया जाए। देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pieces, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। देखिए, उसके लिए 100 pesos का धन एकत्रित करना असंभव था। अब जितना फार्मर ने मांगा था उतना उसको देना असंभव था, क्योंकि उनकी भी पेमेंट कम होगी और उनके कर्मचारियों की तो सबको मिलाकर उतने पैसे नहीं हो रहे थे, इसलिए ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल थ्रू आउट द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा धन भेजने के योग्य हो पाया। यानी सबसे ले लेकर जितना भी बचा बना था, आधे से थोड़ा अधिक, आधा भी नहीं था, आधे से थोड़ा अधिक इतना एकत्र हुआ था, इतना वो उसको देने पाया। So he able to send the farmer only little more. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. देखिए, जैसे उसने God करके उसको संबोधन किया था, तो उसने भी उसको भेजने वाला प्रेषक का नाम उसने क्या डाला, उस मास्टर ने God. ठीक है, उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसमें डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द का हस्ताक्षर रूप में क्या लिखा था, गॉड। उसने गॉड करके संबोधन किया, तो उसने भी गॉड प्रेषक के रूप में गॉड का ही नाम देकर एक पत्र भी उसके साथ दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए विथ earlier than as well to ask if there was a letter for him.
अगले रविवार को, संडे को व अन्य दिनों की तुलना में ये पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया। जैसे और दिन थोड़ा लेट आता था, लेकिन उसके अंदर मतलब इतनी जिज्ञासा थी कि भगवान ने उसके पत्र का उत्तर दिया कि नहीं, ये जानने के लिए वो रोज से ज्यादा आज कुछ जल्दी पोस्ट ऑफिस आ गया। ठीक है, देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्लेनिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डेड लुक एट फ्रॉम हिज ऑफिस। क्या हुआ कि ये स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि क्या है, डाकिया था जिसने स्वयं उसको पत्र दिया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको लेटर हैंडेड किया था। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले, ठीक है, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन द फॉर्म हिज ऑफिस। एक अच्छे काम करने वाले को अनुभव करते हुए उसने दफ्तर से देख रहा था, माने वो बाहर नहीं आया, डाकिया के हाथ में वो पत्र उसके हाथ में देने के कहा और खुद क्या हुआ ऑफिस के अंदर से उसको देख रहा था। लैंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। देखिए क्या हुआ, लैंचो ने धन को देखकर जरा सा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, हैरानी नहीं दिखाई। लैंचो शुड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर उसने जरा सी भी हैरानी नहीं दिखाई। ठीक, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसको देश संतुष्ट था अपने क्योंकि ये उसकी देश क्या थी, विश्वास था कि ऐसा जैसे उसने कहा वैसा ही होगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, फिर गुस्सा हो गया। ठीक है, वो लेकिन वो फिर गुस्सा हो गया जब उसने पैसों की गिनती की। फिर वो क्या कह रहा है, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब वो क्या कह रहा है कि परमात्मा गलती नहीं कर सकता, ना ही उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। अब उसके मन में देखो ये भावना आई, वो तो भगवान है, भगवान कभी गलती कर सकता है क्या, उसने जितना मांगा उतना नहीं दिया, हाफ दिया है, तो ये भगवान की गलती नहीं है। ठीक है, ये भगवान से गलती नहीं हो सकती। ना ही वो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था, ये उसको पूरा विश्वास था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. शीघ्र ही Lancho खिड़की पर गया कागज और स्याही मांगने के लिए। क्या हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने उसके पैसे कम दिए या उसके लेटर का ऐसा जवाब नहीं दिया, अतः वो स्वयं डाकघर के खिड़की में गया और उसने स्याही और पेन मांगा, पेपर और इंक मांगा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. आम जनता की लेखन टेबल पर जहाँ पर लोग जाकर कुछ लिखते हैं वहाँ पर वो गया, उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटे थी, यानी जैसे परेशानी में आप सिकुड़ लेते हो, भाव सिकुड़ लेते हो, माथा कर लेते हो, ऐसे ही उसके चेहरे पर था, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयत्न के कारण प्रकट हो रही थी। ठीक है, caused by the effort of his that made express his ideas. When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया तो he went to the window to buy a stamp which he lit and then affixed to the in love with a blow of his fist. फिर उसने क्या किया, तब वो स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। यानी देखो अब इसमें आपको क्या लग रहा,
जैसे आजकल तो हम लोग सब जानते हैं कि अपने मुंह में थूक कर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उनसे गोंद या गम कुछ मांग लेते हैं तब उसको चिपकाते हैं, लेकिन वो किसान था और इतना शायद उसको समझ नहीं थी, तो उसने क्या किया, अपने जीभ से ही उसको स्टैम्प को वो किया और उसमें उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब क्या है, जब जिस क्षण यानी when he finished stamp with the list in the fix he envelope with the blowfish the moment the letter fell into the mailbox। अब उसने उस लेटर को फिर किस में डाल दिया, mailbox में डाल दिया। the postmaster went to open it। अब postmaster फिर गया, देखो अब postmaster को भी उस पर दिलचस्पी आने लग गई थी कि ये क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, उसको भी उस पर दिलचस्प होने इंटरेस्ट लेने लग गया था, अतः वो तुरंत गया और उसने उस लेटर को खोला जिसको लड़चो ने पोस्ट बैक्स में डाला था। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 horses रिच मी सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। देख लो अब उसके अंदर देखो क्या भावना आ गई कि भगवान ने तो उसको पूरा भेजा था, जरूर यहाँ के लोगों ने उसके पैसे को मारा, पोस्ट मास्टर ने उसको खोला, पत्र में लिखा था परमात्मा वो धन जिसे आपने आपसे मांगा था केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचा, ठीक है, बाकी का धन मुझे नहीं मिला जिसे मुझे जरूरत थी, ठीक है। उसने ये कहा सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। कह रहे जितना मैंने मांगा था उतना मेरे पास नहीं पहुंचा, अतः उसने भगवान से क्या कहा कि अब आप मुझे डाक के द्वारा पैसे ना भेजें, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का समूह है। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी क्या हैं, सब ठगों के समूह हैं। उसके अंदर देखो क्या आ गया, ये भावना आ गई। अब पोस्ट मास्टर ने भी इसको पढ़ा, उसको भी कैसा लगा होगा कि देखो हम लोग तो एक साथ इकट्ठा करके उनको इतना पैसा दे रहे हैं कि उसका काम चल जाए और भगवान के प्रति उसका जो ये विश्वास है वो डगमगा ना जाए, इसलिए सब ने इकट्ठा करके कर्मचारियों से सब से इकट्ठा करके पैसा जितना हो सकता था पूरा भैया हुआ नहीं, लेकिन जितना उसने सोचा जितना हुआ उतना ही उसको दे दिया जाए, उसको दिया। लेकिन लैंचो के मन में देखो क्या भावना आ गई कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, भगवान ने पूरे पैसे दिए होंगे लेकिन ये पैसे किसने मार दिया, ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मारा, अतः उसने भगवान को फिर रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे पैसे अब डाक द्वारा मत भेजिए क्योंकि यहाँ के लोग सब क्या है ठग हैं, सब पैसे मार लेते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत ध्यान से आपने इसको सुना। अब बाकी मैं इसका वर्कशीट आपको कल भेज दूंगी, ठीक है, जिसको आपको करना है। अब इसमें बेटा बुक्स में जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं, ऐसी चीजें मैंने इसमें वो की है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको भेजूंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ पैसेज दिए गए हैं, ठीक है, करने के लिए पेज नंबर 22 उसमें कुछ पैसेज दिए गए हैं, ये मैं आपको भेजूंगी और इसके अतिरिक्त और कुछ भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए, आगे का फिर मैं आपको सेंड करूंगी। ओके थैंक यू। अच्छा कर दूं जाए।